आपके लिए हूँ ऑनलाइन नॉलेज ए पर ट्रिपल सी। तो चलो इस वीडियो को देखते हैं। मनीतर हुआ जी, मनीतर हुआ किस मनीतर, मनीतर क्या है? अगर आप मनीतर नहीं जानते हैं तो इसे देखें। मनीतर की विजुअल डिस्प्ले युक्तियाँ भी कहते हैं, क्या कहते हैं मनीतर को? विजुअल डिस्प्ले युक्तियाँ भी कहते हैं। मनीतर सीपीयू से प्राप्त परिमाण को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। इन बिंदुओं को पिक्सल के नाम से जाना जाता है। इन बिंदुओं को किसके नाम से जाना जाता है? पिक्सल के नाम से जाना जाता है। किसी चित्र की स्पष्टता तीन तथ्यों पर निर्भर करती है, स्क्रीन पर रेजुलेशन, डार्क पिंच और रिफ्रेंस रेट। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कैथोड क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, तो चलो देख लेते हैं। ये कैथाकर बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आकार में बड़ा तथा भारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं एलसीडी। एलसीडी आप लोग जानते हैं कि एलसीडी क्या? अगर नहीं जानते हैं तो इसे देखें। एक प्रकार के अधिक प्रयोग में आने वाले आउटपुट युक्ति है। यह सीआरटी की अपेक्षा काफी हल्की किंतु महंगी आउटपुट युक्ति है। इसका प्रयोग लैपटॉप, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियों में किया जाता है। एलसीडी में दो प्लेट होती है। इन प्लेटों के बीच में से एक क्या है, एक विशेष प्रकार का द्रव भरा जाता है। जब प्लेट के पिछले प्रकाश निकलता है तो प्लेट के अंदर के द्रव एलाइन होकर चमकते हैं। इसे चित्र दिखाने के लिए लगता है। नेक्स्ट देखते हैं एलईडी क्या होता है। एलईडी आप नाम सुने होंगे शायद। यह मॉनिटर आजकल घरों में टेलीविजन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे एलईडी लाइट लगे होते हैं। जब विद्युत धारा इन एलईडी से गुजरती है तो एलईडी जो चमकने वाले एलईडी के स्क्रीन पर यह क्या होता है, देखती है, दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटर, 3D मॉनिटर क्या होता है? और 3D मॉनिटर का प्रयोग आउटपुट को तीन डायमेंशन में देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टीएफटी क्या होता है। टीएफटी में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफी तेज, चमकीला एवं ज्यादा कलरफुल बनाते हैं। टीएफटी अन्य मॉनिटर्स की अपेक्षा महंगा लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का चित्र डिस्प्ले करने वाला आउटपुट युक्ति है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंस क्या होता है। प्रिंस एक प्रकार के आउटपुट युक्ति है। इसका प्रयोग कंप्यूटर डाटा प्राप्त करने, सूचना के किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ब्लैक या हाइड के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। किसी पर प्रिंट की गति करेक्टर प्रति सेकेंड में लाइन प्रति मिनट होता है या से या मापी जाती है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी हाइड्राइट प्रिंट प्रति इंच में मापी जाती है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटे होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। यह प्रिंटर टाइपर की तरह कार्य करते हैं। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। इन प्रिंटों पर अक्षर बने होते हैं। इन पिन स्याही में लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं जिससे अक्षर पेपर पर छप जाते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट एक बार में एक करेक्टर या एक एक लाइन प्रिंट कर सकता है। यह प्रिंटर दूसरे प्रिंटर की तुलना में सस्ते होते हैं और प्रिंटर के दौरान आवाज अधिक करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कम किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रेक्टर प्रिंट तीन प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंट, यहाँ पर देखते हैं मैट्रिक प्रिंट को पिनों की एक पंक्ति है।
जो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन पर प्रवाह करते हैं। जब पिन रिबन पर प्रवाह करते हैं तो दाग्स का एक समूह जो होता है बन जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप नेक्स्ट बात चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी की नेक्स्ट बात में जय हिंद।